नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.2 प्रश्न नंबर 1, इसका चौथा भाग हम कर रहे हैं। यह है 2x² - x + 1/8 = 0, और हमें इस समीकरण के मूल निकालने हैं। बच्चों, मूल निकालने से पहले, ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है। मूल निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम ले लेंगे। इसका, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक। अब एक, एक और 8 का लघुत्तम लेंगे, वो आएगा 8। 8 को 1 से भाग किया तो आया 8। 8 को 1 से भाग किया तो आया 8। उस 8 को ऊपर 2 से गुना कर देंगे, 8 दूनी 16 x², या पहले भी कर चुके हैं। माइनस 8 को 1 से भाग, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, 8 को 1 से भाग 8, उस 8 को ऊपर x से गुना कर दिया तो हमारे पास आ गया 8x + 8 को 8 से भाग किया 1, उस 1 को ऊपर 1 से गुना कर दिया तो 1 = 0। अगले स्टेप में 8 इधर इस पूरी इक्वेशन के साथ भाग हो रहा है, ये 8 उधर 0 के साथ जाके गुना हो जाएगा, तो 0 × 8 हो गया 0, और यहाँ बच गया 16x² - 8x + 1 = 0। ये अब हमारी बन गई है समीकरण। अब हमें इस समीकरण के मूल निकालने हैं। मूल निकालने के लिए बच्चों क्या काम करते थे, x² के साथ का जो गुणांक है उसको बिना एक्स वाली रकम से गुना कर दो। तो यह है 16 और यह है 1, इनको आपस में गुना कर दिया तो ये आ गया 16। हमारे पास आया है ये 16। अब हमें क्या करना है, इस 16 के फैक्टर निकालने हैं। किस किस के पहाड़े में 16 आएगा, देखो 1 × 16 16 होता है, 2 × 8 16, और 4 × 16, इसके अलावा और किसी पहाड़े में 16 नहीं आता। अब हमें देखना है इन तीनों में से हम कौन सा जोड़ा लें जिसको प्लस या माइनस करके बच्चों ये 8 बनेगा। तो आइए देखते हैं, 16 में 1 प्लस किया तो 17, 16 में से 1 माइनस किया 15, इसका मतलब ये जोड़ा हमें नहीं चाहिए। 8 में 2 प्लस किया तो 10, 8 में से 2 माइनस किया तो 6, हमें चाहिए 8, ये भी नहीं चाहिए हमें। 4 में 4 प्लस करके आता है 8, है ना, तो इसका मतलब ये जोड़ा चाहिए हमें, यही जोड़ा ठीक है क्योंकि इन दोनों को प्लस करके ये 8 बन रहा है। अब देखें तो जैसे हम पहले करते हैं, पहली रकम को ऐसे ही लिख दो 16x², आखिरी जो रकम है +1 उसको भी ऐसे ही लिख दो, आगे है = 0। बीच वाली रकम की जगह जो हमने जोड़ा सिलेक्ट किया ये लेंगे, दोनों के साथ एक्स लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या रह गया, इनके साथ अभी निशान नहीं लगाया तो देखेंगे यहाँ फिर से। यदि ये प्लस का है इसका मतलब इन दोनों के निशान एक जैसे होंगे, यानी या दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। तो क्या लगाएं दोनों के साथ, प्लस या माइनस, सोचो। कहाँ से पता चलेगा, ये यहां से पता चलेगा, 8x के साथ कौन सा निशान है, माइनस, तो ये दोनों ही माइनस के होंगे। अगर दोनों का निशान सेम है तो दोनों का माइनस होगा। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हम इसे एक जोड़ा मानेंगे और इसे दूसरा जोड़ा मानेंगे। तो देखें इन दोनों में ये 16 है, ये 4 है, दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं इसलिए 4 कॉमन, यहां भी x है यहां भी x है इसलिए x कॉमन। 16x² इसमें से 4x कॉमन, 16 को 4 से भाग कर दिया तो बाकी बच गया 4, x² में से x बाहर चला गया तो बाकी बच गया x, माइनस 4x था, 4x का 4x बाहर चला गया तो बाकी 0 नहीं बचा, 4x को 4x के भाग करके 1 बचा। अब ये देखो, ये है 4x - 1, लेकिन ये है -4x + 1, यानी नंबर तो वही है, साइन उल्टे हैं। तो साइन सीधे करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे, और तो वैसे भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, यहाँ एक्स है यहाँ नहीं है, यहाँ 4 है यहाँ नहीं है, तो 1 ही कॉमन आएगा। लेकिन 1 के साथ मैंने माइनस भी कॉमन लिया, क्यों माइनस लिया, क्योंकि ये था 4x - 1, ये है -4x + 1, इसके निशान इससे उल्टे थे इसीलिए माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेते इन दोनों के निशान बदल जाएंगे, ये बन जाएगा 4x और ये +1 था, ये बन जाएगा -1 = 0। अब आप देख पा रहे हैं ये भी 4x - 1 है, ये भी 4x - 1 है, ये कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से 4x - 1 बाहर चल गया, बाकी कितना बच गया 4x, और इसमें से 4x - 1 बाहर चल गया तो बाकी बच गया -1 = 0।
ये दोनों, अगर इन दोनों का गुणनफल यदि 0 है, इसका मतलब या तो ये ब्रैकेट 0 होगी या ये ब्रैकेट 0 होगी। 4x-1 = 0 या 4x-1 = 0, ये एक जैसी आ रही है। तो x हो जाएगा, एक इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, 4 इधर x के साथ गुना हो रहा है उधर जाके भाग। इसी प्रकार से यहाँ भी एक यहाँ माइनस हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 इधर x के साथ गुना हो रहा है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। इसका मतलब ये आ गए इस समीकरण के हल, हल आए हैं, हल हमें निकालने हैं मूल। तो हम लिखेंगे समीकरण के मूल हैं बराबर, यहां से आया 1/4, यहां से भी आया 1/4, तो आप लिख दो 1/4, 1/4, यही इस समीकरण के मूल हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके लाइक से ही हमें और मेहनत से वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद बच्चों।